हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चेहरा गोरा करने का बेस्ट होममेड रेमेडीज, जिसे आप लोग एक बार अपने चेहरे पीछे लगा लेंगे तो आपका चेहरा इतना ये गोरा कर देगा, ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराना भूल जाएंगे, इतना यह बेस्ट होम रेमेडीज बनके तैयार। तो इस होम रेमेडीज को कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा किसी के चेहरे पे। अगर आपके चेहरे पे केल, मुहासे, दाग धब्बे, जाई कुछ भी है तो सारी प्रॉब्लम कुछ दूर करेगा, तो बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। तो चलिए किस तरह से हम इस बेस्ट होम रेमेडीज को बना के तैयार करेंगे, बनाना देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले टमाटर। टमाटर हमें वही लेना है जिसमें अच्छे सा जूस हो और ये देखने में लाल है, क्योंकि जब ये लाल वाला टमाटर होता है तो इसमें अच्छे से जूस होता है, और भी वो जो टमाटर होते हैं उसमें ज़्यादा जूस नहीं होते हैं, तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। ये लाल वाला ही टमाटर हमें लेना है, देसी वाला। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि टमाटर हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। जितना यह हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है उससे कई गुना ज्यादा हमारा यह चेहरे के लिए फायदेमंद है। तो फ्रेंड यहाँ चेहरा गोरा करने के लिए आज जो मैं होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग के यह आसानी से घर में मिल जाएगा। आप लोग को कोई भी सामान बाहर मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो बजट में बिल्कुल यह होम रेमेडी चेहरा गोरा करने के लिए बनके तैयार होगा। ये हम सबसे पहले टमाटर को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने टमाटर को दो भाग में कट कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही लाल वाला हमें देसी टमाटर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें देसी ही टमाटर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इतना इसमें कितना रस भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही टमाटर लेना है जिसमें जूस हो। दूसरी चीज यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी आप लोग को पता होगा कि हमारे चेहरा को बहुत ही गोरा करती है, और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह में लोग गोरा होने के लिए हल्दी लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग गोरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी को अच्छे से हमें टमाटर के ऊपर लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी को अच्छे से टमाटर के ऊपर लगा लिया है। तो यह गोरा करने में हल्दी बहुत ही हमारी मदद करता है, साथ ही हमारे चेहरे पर इतना बढ़िया ग्लो लाता है कि जिसे आप लोग यूज करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि हल्दी हमारे चेहरे को कितना गोरा करती है। अगर यहाँ पे हो सकता है तो आप लोग कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो यहाँ किचन वाली रोज यूज होने वाली हल्दी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेली यूज होने वाली हल्दी को इस तरह से लिया है। तो यहाँ डेली यूज होने वाली हल्दी को थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा येलो होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच इसी से हल्दी ऐड किया है। हमें यहाँ पे लेना है चाउमीन वाला इस तरह से चम्मच, और इस तरह से हल्का हल्का हमें इस तरह से इसमें सुराख कर देना है, होल्स कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से होल्स कर दिया है। इसमें जितना भी जूस है वो बिल्कुल एकदम टमाटर का ऊपर आ गया है। तीसरी चीज यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी हमारे चेहरा को अच्छे से मॉइस्चर करेगा, यहाँ पे आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा, आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएगा, गोरा बनाएगा, साथ ही यह क्लीनर का बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मेन स्टेप यहाँ है फ्रेंड इसे लगाने का। बहुत लोग का कहना रहता है कि कितने ईयर्स के इसे लगा सकते हैं, कितने ईयर्स के नहीं लगा सकते हैं। यह होममेड रेमेडीज है, इसे हर कोई अपने चेहरे पे लगा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इसमें मैंने हल्दी भी ऐड किया है। तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है, आप लोग को पता होगा कि चेहरे पे जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी चेहरे की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जेंट्स लेडीज कोई भी लगा सकता है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो उसके लिए भी आप लोग लगा सकते हैं, अच्छे से ग्लो लाएगा। और बहुत सारे लोग के चेहरे पे जैसे मुहासे हो जाते हैं तो मुहासे के दाग पड़ जाते हैं तो उसको भी ये दूर करेगा। तो बहुत ही ये बेस्ट होम रेमेडीज है, आप लोग आसानी से अपने घर पे इसे इस तरह से बना के लगा सकते हैं। चलिए अब इसे कैसे लगाते हैं हम लगाना देख लेते हैं। तो फ्रेंड इस होम रेमेडीज को लगाने के पहले आपको अपने हाथ पैर मुख को अच्छे से साबुन से धुल लेना है, ताकि सारी गंदगी वो दूर हो जाए, तब इसे लगाना है। तो इस होम रेमेडीज को आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं, हाथ मुंह पैर
कहीं भी गोरा करने के लिए इस होमरा मेडिस को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंड को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के बाद इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से अपने हाथ पे अच्छे से हमें रब करते हुए इस तरह से हमें मसाज करना है। तो जिस तरह से मैं आप लोग को हाथ पे लगाकर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आप लोग को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट ऐसे ही हल्के हाथ से मसाज करते हुए लगा लेना है अच्छे से। तो यह स्क्रब का बहुत ही बढ़िया काम करता है। चीनी इसमें जो मैंने ऐड किया है चेहरे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। हमारे चेहरे को बिल्कुल एकदम गोरा बनाएगा, चेहरे पे एकदम ग्लो ला देगा और सारी हाथ पैर की गंदगी को वो निकाल कर बाहर कर देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को अपने हाथ पैर पे गोरा करने के लिए इसी तरह से सेम लगाना है जिस तरह से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। एक ही बार के लगाने से आप लोग को इसका साइड इफेक्ट दिखेगा, आपका चेहरा इतना गोरा हो जाएगा कि जो भी देखेगा आपकी तरफ देखता ही रह जाएगा। यकीन ही नहीं होगा कि यह होममेड रेमेडीज इतना बढ़िया वर्क करता है। फ्रेंड्स एक बार इसे आप लोग जब अपने चेहरे पे लगाएंगे तो खुद ही आप लोग मार्केट जाकर ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। शादी ब्याह कहीं भी आप लोग को जाना है तो इस होम रेमेडीज को आप लोग लगा सकते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत गोरा बना सकते हैं। आपके चेहरे पर इतना बढ़िया ग्लो और निखार आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा। अब इस तरह से फ्रेंड हैंड के ऊपर लगाने के बाद हमें 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए इस तरह से हम 15 से 20 मिनट हाथ पे लगा करके इसे हम छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया है और हल्का हल्का ये ड्राई होना शुरू हो गया है। चलिए अब मैं हैंड को खोल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने पानी से क्लीन कर लिया हैंड को, तो आप लोग देख सकते हैं कि हाथ पे कितना बढ़िया ग्लो आ गया, मेरा हैंड कितना गोरा दिख रहा है। आप लोग को मैं दूसरा हाथ दिखा रही हूँ, आप लोग को इसका फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप लोग वीडियो में लाइव देख सकते हैं कि इस हाथ में और इस हाथ में कितना फर्क दिख रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से एक ही दिन में लगाने से आप लोग अपने चेहरों को इतना गोरा को खूबसूरत बना सकते हैं कि इसे ब्यूटिशियन और डॉक्टर भी देख के हैरान हो जाएंगे, इतना बेस्ट होम रेमेडीज है ये चेहरे के लिए। तो आप लोग एक बार इसे अपने चेहरे पे जरूर लगा के देखना, आप लोग को इसका खुद ही फायदा दिखेगा कि आपका चेहरा कितना गोरा हो गया है। खुद पे यकीन नहीं होगा कि यह घर का बनाया हुआ होम रेमेडीज इतना बढ़िया वर्क करेगा। यहाँ पे लेना है एक कॉटन कपड़ा और इस तरह से अपने हैंड को थोड़ा सा हमें पोंछ देना है। फ्रेंड इस तरह से अपने हाथ पैर चेहरे को किसी भी चीज को लगा करके इस होम रेमेडीज को गोरा कर सकते हैं। यह बहुत ही बेस्ट होम रेमेडीज है। शादी ब्याह में आप लोग को जाना है तो एक हफ्ते पहले अगर इसे लगाना शुरू कर देते हैं तो आप लोग यकीन मानिए ब्यूटी पार्लर जाके आप लोगों को फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मैं गारंटी लेती हूँ। जिसकी शादी पड़ी है तो वो लोग भी इस होम रेमेडीज को लगा करके अच्छे से अपने चेहरा हाथ पैर को गोरा कर सकते हैं। उन लोगों को भी ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग लाइव देख सकते हैं फ्रेंड एक ही बार लगाने से यह होम रेमेडीज हमारे हाथ पैर को कितना बढ़िया गोरा कर देता है, कितना बढ़िया ग्लो ला रहा है, आप लोग को वीडियो में दिख ही रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स यह होम रेमेडीज आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।